मेरा नाम अनीता माली है। मैं एक गांव की सांगर राजस्थान इंडिया से आई हूँ। मेरे गांव में छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो जाती है और उनका गोना कर ससुराल भेज दिया जाता है। जब मैं 9 साल की थी तब मेरी भी शादी हो चुकी थी और मुझे भी ससुराल भेज रहे थे। मैं ये चाहती हूँ कि मैं बड़ी होकर टीचर बनूँ और मेरे गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करूँ। Fabulous event. It gave us an opportunity to explain why education is very important and what technology can do. A connected education allows us to improve the opportunities for a lot of girls, give them an opportunity to work, to have more dignity, safety, have healthier lives. I'm very proud that Vodafone is pioneering in this area. हमें क्लास में पीछे बैठकर नींद आती थी। मुझे मेरी इस स्कूल में आए हुए 3 साल हो चुके हैं। तब से मैं अपनी पढ़ाई को बहुत इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि हमारी इस स्कूल में प्रोग्राम लर्निंग विद वोडाफोन है। उससे मैडम हमें वीडियोस दिखाते हैं और फिर हमें क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उनका आंसर ग्रुप डिस्कशन करके देते हैं। मैम हमें आसपास की चीज़ों से रोल प्ले वगैरह करवाते हैं। लर्निंग विद वोडाफोन की वजह से गर्ल्स एजुकेशन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। अब तो पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं स्कूल, एनरोलमेंट काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। पहले मेरे पास लड़कियां करीब 20 थी पूरे स्कूल के अंदर और अब मेरे पास 70 लड़कियां हैं स्कूल के अंदर, तो इससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा है। Of all the things we're doing in the Vodafone Foundation and Vodafone, in a way this is the most exciting, because the more we can open people's eyes through education, then the better chance we have for a more stable world. We're going in the right direction. We're making good progress in terms of the numbers. As a result of it, it's changing lives, as we heard from two extraordinary young girls talking on stage, and that's really the purpose of Vodafone, and the foundation is very much aligned to making that happen.